ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के पार्टी कार्यालय में मनाई गई। इस दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे के नारे भी लगाए। इस दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि आज हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था तब देश में दोहरी व्यवस्था थी, कश्मीर जाने के लिए लोग को परमिट लेना पड़ता था। इसका विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय किया था। उनका कहना था कि एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होना चाहिए, यानी एक देश, एक झंडा और एक संविधान होना चाहिए, जिसकी वजह से आज हम लोग कश्मीर जा सकते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का कार्य किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे। उन्होंने अपने समय में कई जनहित में लड़ाइयाँ लड़ी। इस दौरान उन्हें जेल भी जाने पड़े। उनकी पुण्यतिथि को हम लोग मना रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। वे हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके लिए किए गए कार्यों के से हमें सीख लेनी चाहिए। पूरे देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उनके पुण्यतिथि को बलिदान दिवस में मनाते हैं। देश को आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद इस देश में दोहरी व्यवस्था थी और उसकी लड़ाई हमारे जनसंघ के प्रथम संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उसकी लड़ाई लड़ी थी कि कश्मीर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। और उनका जो सोच था, एक देश जब है, एक विधान हो, एक निशान हो जाकर, एक निशान, एक विधान और एक प्रधान जाकर, ये तीन सवालों को लेकर इस देश में तो एक ही प्रधानमंत्री हो, एक ही झंडा होगा, एक ही संविधान होगा जाकर। लेकिन उस समय की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने तुष्टिकरण नीति के तहत इस तरह कदम उठाने का काम किया था। उस कलम को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री 370 धारा 35 को हटाने का भी काम किया है, जिसका पूरे देशवासियों ने स्वागत किया है। तो आज अपने हम महान नेता, हम सबों के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को हम आज उन्हें भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं या करके, हम उन्हें याद कर रहे हैं या करके, और हम सबों का प्रेरणा स्रोत से जाकर आगे रहे नहीं जाकर। इस लड़ाई को उन्होंने लड़ा था और उनका संघर्ष था और उस संघर्ष में उन्हें विरोध किया कि भाई आखिर अपने ही देश में जाने के लिए परमिट क्यों लेना पड़ेगा। और उन्होंने कश्मीर की यात्रा की थी जाकर, उसी दौर में जिनकी गिरफ्तारी हुई थी और जेल में संध्यास्पद अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी जाकर के, और उस मृत्यु के बाद अब उनका जो योगदान रहा है इस देश के लिए, हम उन्हें आज बलिदान दिवस के रूप में मनाते जा रहे हैं, हम याद कर रहे हैं और उनके बताए रास्ते पर चलकर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उनके सपनों का भारत बनाने का काम कर रहे हैं।